बाय गेडी भाई। ओके हेलो पीपल, दिस इज योर कुमाऊनी होटेलियर एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज वापसी है गुड़गांव की, बस नहा धो के जस्ट रेडी हुआ हूँ। थोड़ा धूप अच्छी है, थोड़ा धूप में बैठ जाते हैं और फिर निकलते हैं। केडी भाई आ रहे हैं छोड़ने के लिए मार्केट पर बस अड्डा तक, उसके बाद अपना बस में गुड़गांव। बहुत ही बढ़िया धूप का नज़ारा आज, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वापस, इसलिए वरना तो रोज़ बारिश हो रही थी, एवरी डे बारिश। आज सेक लेते हैं थोड़ा धूप। तुमने सारे कपड़े धो दिए, आप सूखेंगे नहीं तो? कपड़े तो आठ में भर के धो दिए मैंने आज। और धूप तो बस आ रही जा रही, इतने सारे बादल आ रहे। 8 बजे से धोने में हूं, 1 बज गया धोने में। तो अब धूप नहीं आई तो सारे कपड़े गीले रहेंगे वो। कोई बात नहीं, गीले कल कर। यार मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए, अब पहन के क्या जाऊंगा अगर नहीं सूखेंगे तो? और धूप भी आ रही जा रही है ये, और ठंडी हवा चल रही बहुत तेज, बहुत तेजी से ठंडी हवा चल रही है। छोटू तू धनिया चल ठीक है तोड़ के लिया, बढ़िया सा। और जी गेहूं तो सुखाने डाल दिया तुमने, अब ये धूप ही जो नहीं आ रही, फिर आएगी। अब कहाँ आती है धूप, ये मौसम ऐसा जो हो गया, हवा चल रही बहुत ही ठंडी। हाँ पता नहीं, देखो मैंने भी सारे कपड़े धो दिए, मेरे सारे कपड़े धो दिए, जो जोड़ी पहने हैं मैंने यही हैं बस। अब वो सूखेंगे नहीं तो मेरे पास अब क्या होगा कपड़ों का पता नहीं। यार धनिया तो बड़ा बढ़िया हो रहा हमारे खेत में। खाना क्या बना रही? हरी सब्जी, बड़ी की दाल, ठीक है भाई बना। नहीं मुझे तो बड़ी की दाल ही अच्छी लगती है, प्लेट में डालूंगी तब देना। बड़ी की दाल ही मुझे पसंद है और मैं बड़ी की दाल ही खाऊंगा। तो जी आ गए बंदर या गेहूं खाने, इधर से आता हूँ। वो कह रहा मैं उधर से आता हूँ। तो भाई रेडी हो गया हूँ मैं जाने के लिए, और बैग वैग सारा रेडी पैक कर दिया है छोटू ने, और इसके बाद निकलते हैं गुड़गांव। कहाँ? गुड़गांव में बैठ जाएगा फोन करना। बैग पैक वो हमें सगड़ा आलो और ना बता सगटी तो था जाड़ों में जिन्होंने, जिसने ठंड में हमें इतना सहारा दिया। चलो बाय 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 फोन कर देना। आ रहा छोड़ने मुझे, चलो मम्मी बाय। अपनी उत्तराखंड परिवहन गुड़गांव बस, बाय गेडी भाई। ओके भाई, गर्म पानी के आसपास रोकी है कहीं गाड़ी चाय पकौड़े के लिए, काली चाय बनवाई है स्पेशल। बहुत ज्यादा कोहरा भाई, सुबह का अराउंड 5 बज रहा है, जस्ट अभी गुड़गांव बस अड्डे से EWS पहुंच रहा हूँ, मतलब अपने रूम आज रूम खाली कर दूंगा और सामान वगैरह सारा नए रूम में शिफ्ट कर दूंगा। सो हेलो पीपल, व्हाट्स अप। तो भाई सुबह आ गया था, 5 ही बजे पहुंच गया था रूम पे, और उसके बाद अपना बढ़िया आके सो गया था मैं। तो अभी उठाऊँ यार सो के, करीब 1:30 बजे का टाइम हो रहा है आसपास, 1:30 बजे के आसपास। तो पानी वानी लगाया गर्म करने के लिए, नहा धो के फिर जाता हूँ लंच करने। यार कल रात बस में बहुत दिक्कत हो गई यार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे उल्टी करने का जैसा हो गया, लेकिन उल्टी भी नहीं हो रही। और सबसे बड़ी दिक्कत होता है क्या होगी, जैसे ही मैं मन करने लगा उल्टी करने का तो खिड़की नहीं खुली, खिड़की ही नहीं खुल रही यार, 2-3 खिड़कियाँ खुली नहीं रही। फिर भाग के आ गया क्या ड्राइवर की वाली सीट के बगल में, फिर वहाँ से थोड़ा सा फ्रेश एयर ली, तब थोड़ा सही हुआ यार। पता नहीं क्या हो गया, कल फर्स्ट टाइम पेट घूमने लग गया था मेरा बहुत ज़्यादा। तो यार ये तो था कल बस का, दूसरा अभी दोस्त आ जाएगा शाम के टाइम पे, तो उसके बाद मैं रूम शिफ्ट कर लेता हूँ। रूम शिफ्ट करने के बाद नए रूम पे चलते हैं और फिर नई चीज़ें करते हैं।